हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको शामी कबाब का सैंडविच बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने एक शामी कबाब लिया है। शामी कबाब की रेसिपी जो है वो हमारे चैनल पर मौजूद है। चटनी बनाने के लिए हमको फ्रेश कोरिएंडर चाहिए और फ्रेश मिंट चाहिए बराबर का। फ्रेश कोरिएंडर जो है वो आजकल के सीज़न में यहाँ पर मिलना या उगाना बहुत मुश्किल है, तो जो भी घर में अवेलेबल था वो हमने यूज़ किया है। टमरिंड ली है यानी कि इमली, क्यूकम्बर लिया है, फ्रेश टोमेटो लिया है और अनियन लिया है। थोड़ी सी हमने टमरिंड ली है यानी कि इमली, इसमें हमने पानी डालकर और इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव में रख दिया है ताकि इमली जो है वो गल जाए। मिंट और कोरिएंडर जो है उसको हमने ग्राइंडर में डाला है और इसके बाद हमने इसमें 1/3 टीस्पून जो है वो सॉल्ट का डाला है। सॉल्ट इसलिए हमने कम डाला है कि इमली जो है, टमरिंड जो है, उसमें ऑलरेडी सॉल्ट मौजूद होता है। सुरख मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून हमने, और ये देखिए 4 मिनट्स में हमारी जो इमली है वो बिल्कुल घुल गई है, गल गई है बहुत अच्छी तरह से। और इसको अब हमने छान लिया है और छान के थोड़ी से जो उसके सीड्स हैं उनको भी पानी से रिंस कर लिया है और इन दोनों को हमने फिर ग्राइंडर में डाल देना है। डाल के हमने इसको पीस लेना है। मशीन जो है ये मैजिक बुलेट के नाम से आपको ईबे से मिलेगी। ये देखिए हमारी चटनी जो है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम टोमेटो काटते हैं। टोमेटो स्लाइस किया है हमने, थोड़े से लेटस के पत्ते लिए हैं यानी कि सलाद, अनियन स्लाइस किया है और क्यूकम्बर जो है उसको थोड़ा सा काट लिया है। ये चीज़ें जो हैं ये हमारी सैंडविच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ब्रेड पर हमने बटर लगाया है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, और ये सॉफ्ट बटर है, सुपर सॉफ्ट बटर है। अब जो शामी कबाब है वो हमने सैंडविच पर फैला लेना है और इसके ऊपर हमने क्यूकम्बर रखा है, क्यूकम्बर रख के हमने इस पे टोमेटो रखा है, इसके बाद हमने इस पे अनियन रखा है और फिर इस पे हमने चटनी डाल लेनी है जितनी भी आप चाहें, फिर लेटस रखा है और फिर इस सैंडविच को बंद कर दिया है और अब हम इसको सैंडविच मेकर में डाल लेंगे। सैंडविच मेकर ना हो तो आप इसको तवे पर ही सेक लें, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। कुछ ही देर में ये देखिए आपका कबाब का सैंडविच जो है ये बिल्कुल तैयार है। ये एक मेन मील है समझें, इसको खाने के बाद आपको फिर डिनर करने की या लंच करने की तलब नहीं रहती। इस वजह से ये बहुत प्रैक्टिकल और बहुत अच्छी रेसिपी है, क्योंकि बाज़ सैंडविचेस तो ऐसे होते हैं जो स्नैक के तौर पर सिर्फ खाए जाते हैं। तो ट्राई कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनता है। खुदा करे कि ये आपका भी बहुत अच्छा तैयार हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।